शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबा, बेटा, बेटा ठीक हो गया तू बेटा? साई, साई मेरा बेटा ठीक हो गया साई। हम बरसों से उन लोगों के साथ रहते आए हैं, वो लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? कैसे वो लोगों को मार काट रहे थे, घरों को लूट रहे थे, मैं ये सब भुला नहीं पा रहा हूँ। भूलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो फिर सीखेंगे कैसे कि क्या गलत हुआ था। जो इंसान ये भूल सकता है, वो इंसान अपनी इंसानियत को भी भुला चुका होगा। हमें ऐसे हादसों को याद रखना चाहिए, जख्म बनाकर नहीं, बदले के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए, ताकि इन यादों के सहारे हम अपने समाज को, अपने परिवार को मजबूत कर सके, उसे सुधार सके, जो दीवारें खड़ी हो गई हैं उन्हें गिरा सके, जो दरारें आ गई हैं उन्हें भर सके, जो गांठें पड़ गई हैं खोल सके उन्हें। अगर हम ऐसे हालात से डरेंगे तो ये बार बार हमारे सामने आएंगे। डरना नहीं है हमें, हमें सामना करना है मिलकर। देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। फरमान के मुताबिक तोहफा लौटाने के लायक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें ऐसा तोहफा देना चाहिए जो हमारे हैसियत के बराबर हो, जो ज्यादा कीमती भी ना हो लेकिन बेजोड़ हो और अनमोल हो। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो हमें बताइए। क्या भगवत गीता दे सकते हैं? सुझाव अच्छा है, मगर महारानी को सिर्फ अंग्रेजी आती है, गीता उनके समझ में नहीं आएगी। माधव का तर्क बिल्कुल सही है। क्यों ना हम उन्हें तोहफे में अनाज दें? क्या भाईजान, महारानी है वो, उनके पास अनाज की कमी थोड़ी ना है। फिर और क्या दे सकते हैं? क्या हम उन्हें पीतल की समई दे सकते हैं? अरे नहीं नहीं, वो हमारे जैसे पूजा पाठ थोड़ी करते हैं। देखिए, हमें कुछ और सोचने की जरूरत है। आपके द्वारा सुझाए गए उपहार हमारे लिए मूल्यवान है, लेकिन उनके लिए बेकार। और फरमान में यह कहा गया है कि उपहार महारानी जी को पसंद आना चाहिए। अगर उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो ब्रिटिश सरकार हमें दंडित कर सकती है। मेरे विचार से हमें महारानी को ऐसा उपहार देना चाहिए जो उन्हें हमारी संस्कृति की याद दिलाए। पर ऐसा क्या है? पैठनी। हाँ, हम उपहार में पैठनी दे सकते हैं। पैठनी साड़ी जो हमारे संस्कृति की पहचान है। हाँ भाई साहब, का इस प्रांत की पहचान है पैठनी, और मेरे विचार से महारानी के पास पैठनी नहीं होगी। लेकिन
पैठनी तो बहुत महंगी होती है ना। उसकी चिंता आप सब बिल्कुल ना करें। पाटिल जी, कच्चे सामान का इंतजाम आप करवा दीजिएगा, मैं अपने हाथ से बुन दूंगी पैठनी। हम लोग मदद करेंगे बुनने में रिहाना की। अगर ऐसा है तो कच्चे माल के लिए हम लोग आपस में भी चंदा करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जी पाटिल जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये फरमान भले ही आपको जारी हुआ हो लेकिन हम सब आपके साथ हैं। क्यों भाइयों? धन्यवाद। तो फिर तय हुआ कि हम महारानी को पैठनी देंगे। कोई इंसान दिमागी रूप से बीमार है, आत्महत्या कर लेता है तो जानते हो क्यों? क्योंकि तुम लोग उसे समझना छोड़ देते हो। वो हार मान जाता है इसलिए क्योंकि उससे पहले तुम लोग हार मान चुके हो। उसके हालात से, किसी दिमागी रूप से बीमार इंसान से मुंह फेर लेना, ये तुम्हारी हार है। तुम्हें लगता है कि मैंने चमत्कार कर दिया, उसे ठीक कर दिया, लेकिन इस चमत्कार का रहस्य क्या है ये सोचा है कभी? इस चमत्कार का रहस्य है प्रेम। प्रेम को लोगों के साथ जुड़ने का आधार बनाओ, क्योंकि जब तक तुम प्रेम को लोगों से जुड़ने का आधार नहीं बनाओगे, लोग पराए ही रहेंगे। और अगर पराए होकर ही रहना है तो फिर क्या फायदा इस समाज का, क्या फायदा इस सभ्यता का? सोच कर देखो। हटा तेरी गाय को सामने से। हाँ हाँ जा रहे हैं। लो आ गए वापस, खुद को शिरडी का राजा समझते हैं हा? दंगे हुए तो भाग निकले, और जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ ना तो आ गए मुंह उठा के। जाने दो हमें, इसे क्या, अब हर किसी आने जाने वाले को रोक थोड़े ना सकते हैं। चलो अपना काम करते हैं। दादा, तुम्हारा इतना बड़ा अपमान, तुम राजा हो यहाँ के। दादा तुमने अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो ये लोग ना तो तुम्हारी सुनेंगे ना तुम्हें पूछेंगे। दादा ऊंट बैठ भी जाए तो भी कधे से ऊंचा ही होता है। हाँ, रत्नाकर की बातों में आकर चूक हुई है मुझसे, और उसे एक भय के कारण मुझे पलायन के लिए विवश होना पड़ा। मेरे भयभीत होने के कारण इन गांव वालों के हृदय से मेरा भय चला गया। मेरे लिए जो सम्मान था वो चला गया। शीघ्र अतिशीघ्र इनके हृदय में वो भय व सम्मान उत्पन्न करना होगा मुझे, परंतु उससे पहले ये ज्ञात करना होगा कि मेरे ना रहने पर यहां क्या क्या हुआ। हरिओम। धन्यवाद, चलता हूं साईं। राम जी भला करें।
आदाब साईं। राम जी भला करें। कहो कैसे आना हुआ? साईं आपने मुझे सिखाया था, ज्ञान दिया था कि शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी के सबसे अहम दौर में कदम रखूंगा। यहाँ शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे को समझने की जरूरत होगी, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। तहे दिल से अपनी जिम्मेदारियां कबूल करनी होगी हमें। और मैं तो शुरुआत में ही नाकाम रहा। देखिए ना, रुखसती की रस्मों के बाद नुसरत जब से अपने आयाल से अलग हुई है तब से रोए जा रही है। क्या गुरु साईं, आज तक कभी भी अपने घर वालों को छोड़कर नहीं रही। मुझे अपने घर की, अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की इसे समझाने की, बहलाने की, शांत कराने की, लेकिन जब हार गया तो आपके पास ले आया साईं। तुमने देखा कैसे मैंने इस नन्हे पौधे को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाया? कुछ समझे असलम मियां? बागवानी तो आती है मुझे, लेकिन इस वक्त आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी बेगम को कैसे खुश रखूं, इसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को कैसे खुशी में तब्दील करूं। असलम, अगर बागवानी जानते हो तो ये भी समझते होगे कि किसी पौधे को एक जगह से निकाल कर किसी दूसरी नई जगह पर रोपना ये एक कठिन प्रक्रिया है। ये कठिन तो है परंतु असंभव नहीं। जब हम पौधे को प्यार से, उसे संभाल के, नजाकत से निकाल कर दूसरी जगह पर रोपते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो कुछ समय में धीरे धीरे वो अपनी जड़ें जमाने लगता है, बड़ा होने लगता है वो। बस ऐसी ही हालत एक नई दुल्हन की भी होती है। जब वो शादी करके अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल में जाती है तो नए लोगों को जानने के लिए, नए रिश्तों को समझने के लिए उसे कुछ वक्त, कुछ प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। आओ मेरे साथ। बैठ जाओ। जानते हो असलम, जब कोई लड़की निकाह के बाद विदा होके अपने मायके से अपनी ससुराल आ जाती है तो वो उसके लिए एक नई दुनिया, एक नया संसार ही तो होता है। जिन चेहरों को देखकर, जिन आवाजों को सुनकर वो इतने सालों पली बढ़ी, उनकी जगह पर नए चेहरे, नई आवाजें, नए दरो दीवार, नया जायका, नया खाना, नई खुशबू, नया स्वाद, सब कुछ नया ही तो होता है। ऐसे में जब उस लड़की को नए रिश्तों को जानने, परिवार के सदस्यों से मिलने, उन्हें समझने, उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए, इस सब की जगह पर उसे सौंप दी जाती है जिम्मेदारी, घर को संभालने की।
लो देखो केशव आ गया। क्या हुआ भीमा? तू बता केशव, हमने तो सुना कि तू शिरडी छोड़ के भाग गया। वो लोगों ने हमारे घर के बाहर तोड़फोड़ की थी, हमारा झूला भी तोड़ दिया, हम लोगों के घर जला दिए, फिर भी हम नहीं भागे, और तुम्हारे घर का झूला तोड़ दिया तो तुम भाग गए। डरपोक कहीं के। डरपोक कहीं का। डरपोक, 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 डरपोक। या तो सब मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं और माँ भी नहीं है मेरे साथ। और सब गांव वालों ने मिलकर तय किया है कि महारानी को पैठणी देंगे। केशव, क्या हुआ? इधर क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहा है? वो लड़के मुझे चिढ़ा रहे थे। किसने तो साहस किया तुम्हें चिढ़ाने का? कौन थे वो? मेरे दोस्तों ने, उन्होंने कहा कि हम डर से शिरडी छोड़ के भाग गए थे। डरपोक कहा उन्होंने? ये हटा तेरी गाय को सामने से। हाँ हाँ जा रहे हैं। खुद को शिरडी का राजा समझते हैं, हाँ? दंगे हुए तो भाग निकले, और जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ ना तो आ गए मुंह उठा के। अंता पंता। जी सरकार। जी सरकार। पूरे गांव को अभी के अभी चावड़ी पे बुला लो। सुना नहीं तुम लोगों ने? ये मेरा आदेश है। हरिओम। जी जी सरकार। सच तो ये है कि जिम्मेदारी उठाने का जज्बा किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसके लिए तो ससुराल वालों को बहू से जुड़ना पड़ेगा, बहू को प्रेम करना होगा अपनी ससुराल के लोगों से। ठीक वैसे ही जैसे वो अपने माँ बाप या अपने माता पिता के पक्ष से करती आई है, और जिस दिन ये संबंध जुड़ जाएगा उस दिन बहू अपने आप जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देगी। लेकिन इस जुड़ाव की शुरुआत ससुराल वालों को करनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि आने वाली नई बहू उनके बेटे की अर्धांगिनी है, उसकी दासी नहीं है, उसे परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही सम्मान देना होगा, बराबरी का दर्जा देना होगा। तभी उसे एहसास होगा कि वो इस परिवार का सदस्य है। किसी समस्या के बारे में जैसे हम अपने बच्चों से सलाह मशवरा करते हैं, उनसे राय लेते हैं, वैसे ही बहू से भी लेनी होगी। तभी तो उसे एहसास होगा कि ये घर भी उसका अपना घर है, और परिवार का दुख
इस परिवार का सुख उसका अपना दुख सुख है। असलम, अब तुम पर दोहरी जिम्मेदारी है। जितनी फिक्र तुम अपने अम्मी अब्बू की करती हो, अब तुम्हें उतनी ही फिक्र नुसरत के अम्मी अब्बू की भी करनी चाहिए। ये कभी मत सोचना कि नुसरत निकाह कर तुम्हारे घर आ गई है तो अब वो अपने अम्मी अब्बू को भूल जाए। असलम, नुसरत, अब तुम दोनों पर दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखने का दायित्व है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कभी नुसरत को अपने परिवार की, अपने घर आंगन की याद आए तो अपने माँ बाप से इजाजत लेकर तुम इसे इसके घर ले जाओ। इससे इन्हें भी अच्छा लगेगा और सारे परिवार को भी। सब एक दूसरे को देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। जरूर साईं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी नुसरत को उसके मायके ले जाऊं। अब मन हल्का हुआ ना? शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। क्यों मार रहे उसे? साईं, इसीलिए शुरुआत की थी, इसी से पूछिए। जी सच है कि मैंने शुरुआत की है, लेकिन कसूर मेरा नहीं, इन लोगों का है। मेरे ससुर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। उन्हें 24 घंटे एक आदमी चाहिए जो उनका ख्याल रख सके, देखभाल कर सके, तो मैं भी यहाँ चलाया। साईं, लोग ये क्यों नहीं समझते? क्यों हंसते हैं मुझ पर? क्या पत्नी के घर पे रहना पाप है, गुनाह है? बताइए साईं,